वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब कानून की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं एडीआर सेंटर, जिसके द्वारा जो भी मुकदमा हो उसको जल्दी कैसे निपटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। दोस्तों बात करते हैं एडीआर सेंटर में कौन से तरह के मुकदमे का निपटारा बहुत जल्द किया जा सकता है, किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। दोस्तों आजकल राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एडीआर सेंटर में हर प्रकार के मुकदमों का सुलझाया किया जाता है। बहुत सारे जो जितने भी पुराने मुकदमे हैं उनको भी वहां निपटाया जा सकता है, जिस प्रकार लोक अदालत लगाई जाती है एडीआर सेंटर में। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या किसी महिला पर पीड़ित महिला के खिलाफ कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं तो उन्हें एडीआर सेंटर में रखा जाता है, जिससे दोनों पक्षों को समझाकर उसे बहुत ही जल्द मुकदमे का निपटारा या सोल्यूशन किया जाता है। आजकल 498 है ऐसे मुकदमे को भी एडीआर सेंटर में दिया जाता है, समझाइश के लिए रखा जाता है। दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों पे कायदा वहां एडीआर सेंटर के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है या जो समिति के जो सदस्य होते हैं उनको दोनों पक्षों को बिठा के वहां सुलझाटा किया जाता है, या उनको दोनों पक्षों को समझाया जाता है कि आपके किस प्रकार के क्या मामला है, किस प्रकार से आप दोनों में आपसी अनबन होती है, किस प्रकार से आप समझौता नहीं रहना नहीं चाहते, वो सारी चीजें वहां बैठा कर समझाया जाता है। अगर दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं कि हम अलग अलग रहना चाहते हैं तो सारी चीजें वहां लिखा पड़ी होती है, सारी चीजें एडीआर सेंटर से समझाई जाती है। आजकल हर प्रकार के जो मुकदमे होते हैं दोस्तों उनको एक बार समझाइश में रखा जाता है। कोर्ट ये चाहती है कि अगर दोनों व्यक्ति बैठ के समझ जाए या उनमें समझौता हो जाए तो सबसे बढ़िया उपाय है। इसलिए दोस्तों कभी भी जो एडीआर सेंटर में जो मुकदमे होते हैं उन्हें कोर्ट द्वारा रखा जाता है। अगर किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो एडीआर सेंटर द्वारा कोई नोटिस जारी होता है, दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है कि आपको आज एडीआर सेंटर में समझौता में दोनों इस फाइल को रखा गया है, जिससे आपको वहां बैठकर समझाया जा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने, सदस्यों के सामने। दोस्तों ये बहुत ही सराहनीय काम है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि एडीआर सेंटर जो विधि प्राधिकरण सेवा संस्थान है जो उसमें ऐसे ऐसे मुकदमे जो 20-30 साल पुराना जो मुकदमे हैं लोक अदालत और एडीआर में सुलझाया जाता है। इसलिए दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार के मुकदमे होते हैं उन्हें एक बार एडीआर और लोक अदालत में जरूर रखा है, जिससे कि मजिस्ट्रेट का दबाव होता है और उनके दोनों जो आपस में दोनों वकील होते हैं उनको भी समझाने के बाद दोनों व्यक्तियों के समझ में आ जाती है और एडीआर सेंटर में मुकदमों का जल्द से जल्द निपटारा हो जाता है। क्योंकि आजकल हर मुकदमे को राज्य सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकले, जल्दी से मुकदमे पेंडिंग ना हो, जल्दी से निपटे, क्योंकि इस प्रकार के मुकदमे को दिए जो एडीआर सेंटर है उसमें रखा जाता है, दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, उनके बीच में आपसी बिठा के या उनके जो रिश्तेदार उनको बिठा के उनको समझाया जाता है, जिससे उस मुकदमे का जल्दी से निपटारा हो सके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।